अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज से हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोकवाणी की किताब समझना शुरू करेंगे। इसके एक एक पार्ट को मैं जैसे उर्दू मैंने समझाया था उसी तरह हिंदी के भी एक एक पार्ट को समझाते जाऊंगी, स्पष्टीकरण करते जाऊंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहली इकाई का पहला सबक ये है नज़्म की सूरत में सोंधी सुगंध। इस कविता को लिखा है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा और अचूक उनका तखल्लुस है। तो डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा ने सोंधी सुगंध ये कविता लिखी है। इसमें हम पढ़ते हैं पहले परिचय, यानी हम उर्दू में कहते हैं जान पहचान, हिंदी में है परिचय। जन 1949 एटा यानी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए। परिचय में बताया है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। अपने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियां में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे ये गीत का संग्रह है, गीत खुशी के गाओ तुम ये बाल गीत का संग्रह आदि इन्होंने लिखा है। अब इस पद्य यानी इस कविता से संबंधित उन्होंने कुछ कहा है। तो क्या कहा है, पद्य संबंधी में बताया है प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया है कि इस गीत में, इस कविता में जो हमारे कवि हैं डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक, इन्होंने क्या कहा है कि वर्षा ऋतु में किस तरह की तब्दीलियाँ, किस तरह का मौसम होता है, तो उस मौसम का इन्होंने वर्णन किया है कि पेड़ पौधे किस तरह से नदी तालाब पानी से भर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पहली कविता यानी पद्य नंबर एक है सोंधी सुगंध। इसमें कवि लिखते हैं सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये पहला एक बंद, हम इसे हिंदी में छंद कहते हैं, अंग्रेजी में स्टैंजा कहते हैं। तो ये है हमारा पहला छंद। इसमें डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी कह रहे हैं कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, मतलब जब बारिश बरसता है, जब बारिश होती है और ज़मीन पर वो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी में से यानी माटी में से सोंधी सोंधी सुगंध उठती है। तो वही सुगंध माटी से यानी मिट्टी से क्या कह रही है, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, मतलब बादल बरस चुका है और अब धरती ने आंखें खोली हैं, मतलब धरती के अंदर जो बीज अब तक छुपे हुए थे वो बीज ऊपर की तरफ आ निकले हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, मयूरा मतलब मोर, मयूर कह रहा है, मोर कह रहा है कि चारों तरफ अगर हम देखें तो हरियाली छा गई है और हमारा जो सदियों का सपना था वो सपना आज पूरा हो गया है कि हमें हर तरफ सर सब्ज व शादाब, घास फूस हरियाली दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक पक्षी, कोई एक पशु, कोई एक पंछी, कोई एक जानदार, कोई एक मनुष्य खुश नहीं है, बल्कि पूरी टोली खुश है, तमाम लोग यहाँ पर खुश हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, फिर कह रहे हैं कि माटी से ये सोंधी सोंधी सुगंध कह रही है। अगला छंद है बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, कह रहे हैं कि जब बादल बरस चुका है, बारिश हो चुके हैं, तो क्या हो रहा है, चाहे बाग हो, चाहे बगीचा हो, चाहे ताल हो, चाहे तलैया हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे समंदर हो, सब मुस्काए मुस्कुरा दिए।
झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं। तरु का मतलब हवा। हवा क्या कर रही है? वो भी झूम झूम कर चल रही है, वो भी मस्त होकर चल रही है, वो भी खुश होकर चल रही है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। कह रहे हैं कि जो मस्त है पवन है, ये हवा है, इसने मानो अपनी झोली खोल दी है। मतलब सब तरफ ठंडी ठंडी हवा बह रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। नेक्स्ट छंद है, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। कह रहे हैं सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, मतलब सागर ने जो मंसूबा बनाया था वो मंसूबा अब सफल हो गया, यानी कामयाब हो गया। सागर ने कभी ये मंसूबा बनाया था कि जब बारिश होगी तो मैं पूरी तरह से पानी से भर जाऊंगा। अब वो मंसूबा मानो, अब वो इरादा मानो सफल हो गया है, कामयाब हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, मतलब इतना ज़्यादा पानी सागर में आ गया है और सागर ख़ुद अपने आप को देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और उसी खुशी में वो मस्त हो गया है। एक तरह से वो स्वयं यानी खुद भी खो गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। कह रहे हैं कि धरती ने फिर श्रृंगार कर लिया, मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, नए नए रंग के फूल जो है वो खिल गए हैं। तो अलग अलग तरह के फूल चारों तरफ फैले हुए हैं। एक तरह से मानो धरती ने श्रृंगार कर लिया है, धरती ने अपने आप को सजा लिया है। फिर माथे रोली, माथे मतलब माथे पर तिलक जो लगाते हैं, तो कह रहे हैं कि माथे पर तिलक भी लग गया है, चारों तरफ नए नए रंग बिरंगे फूल भी खिल गए हैं। तो एक तरह से धरती ने खुद अपना श्रृंगार किया है, अपने आप को सजाया है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। कह रहे हैं कि सोंधी सोंधी फिर सुगंध जो है वो ये मिट्टी से कह रही है। अब लास्ट स्टेंजा, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, पावस का मतलब होता है बारिश की बूंदे, जो बूंदे ज़मीन पर गिर रही हैं। कह रहे हैं पावस का मधुमास, मधुमास का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए फूल खिलने लगते हैं। कह रहे हैं पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, जब बारिश की बूंदे ज़मीन पर पड़ती हैं, नए नए फूल मुस्काने लगते हैं, तब इन तमाम चीज़ों को देख कर भी जो धरती है उसकी आस बढ़ जाती है, उसका हौसला बढ़ जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, अब यहाँ पर अचूक शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। तो अचूक जी ने यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर, मतलब जिस तरह से हम सजदे में गिर जाते हैं, तो उसी तरह ये जो शायर हैं अचूक हैं, ये भी पूरी तरह नतमस्तक हो गए हैं और इन्होंने अपने भगवान के ऊपर, जो भगवान के चरण हैं उनके ऊपर पुष्प चढ़ाए हैं, मतलब फूल चढ़ाए हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, मतलब जिस तरह से बहुत पहले से ये हंसी ठिठोली यानी हंसी मजाक चलता है, उसी तरह से आज भी ये हंसी मजाक ही हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। फिर कह रहे हैं कि सोंधी सोंधी सी ये जो सुगंध है बार बार माटी से कह रही है। तो क्या कह रही है कि चारों तरफ हरियाली छा गई है, रंग बिरंगी फूल खिल गए हैं, नदी नाले तलैया तालाब बाग बगीचे सब खुश दिखाई दे रहे हैं, सागर में भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, अपने आप में खुशियों में वो मानो खुद ही खो गया है। इसी तरह
यहाँ पर शायर अपने आप को कह रहे हैं कि अचूक ने भी नतमस्तक होकर अपने भगवान के चरणों में फूल चढ़ा दिए, और एक तरह से वो या उनका शुक्र अदा कर रहा है कि हे भगवान, तेरा शुक्र है, तूने बारिश को भेज दिया, तूने बादल को बरसा दिया, मुझे चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि अब किसान भी अनाज उगा पाएगा और हमें नई नई फसलें, नए नए जो अनाज है वो मिल जाएंगे। और सदियों से लोग एक तरह से जिस तरह से हंसी ठिठोली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसी तरह आज भी सारा वातावरण एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहा है। तो ये जो पोयम, ये कविता जो ली गई है सोंधी सुगंध, ये नदी उफान भरे इस गीत संग्रह से ली गई है। तो इस पद्य में, इस कविता में जो कवि हैं डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक, उन्होंने वर्षा ऋतु के बाद का वर्णन बयान किया है। जब बारिश हो जाती है उसके बाद हमारी ज़मीन आबो हवा कैसी होती है, उसके बाद का ये सारा दृश्य अपनी कविता के ज़रिए डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी ने बताया। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। इसके बाद वाला लेसन है खोया हुआ आदमी, इंशाल्लाह कल हम लोग उसे समझेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।